तुम्हारा। और अपनी बेवकूफी ऐनकों के पीछे छिपा के बैठे होते। अच्छा तुम्हें वो दौर भी याद है ना जब मोहल्ले का जो नालायक तरीन बच्चा हुआ करता था वो अदाकारी की तरफ आ जाता था, और आज वही बच्चा जो है वो सिद्धार्थी अवार्ड हासिल कर रहा है और करोड़ों लोग उस बच्चे की मोहब्बत में गिरफ्तार है आज। देखना लोगों ने अब तुम्हें SMS करनी है कि वो तो है ही बेवकूफ, तुम क्यों हंसी थी। अच्छा फिर मुझे अपनी बात करने दो ना। ये वाली बात ना इसकी गेंद में रखना। अच्छा। वो जो पहले एजुकेशन की बात कर रहा था ना भेड़चाल वाली, वो ठीक है। नहीं यही जो भेड़चाल है ना बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है। अच्छा जी इसे भेड़चाल कहते हैं, और वो जो पहले तुमने बताया कि वालदेन जबरदस्ती कहते हैं ऐसे करो, वो लीला चाल होती है। बस डॉक्टर ही बनना है। नहीं वाकई ये जो वालदेन का रवैया है ना ये बहुत खतरनाक है बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कि वालदेन की कोई अपनी ख्वाहिश होती है या जो वो सुनते हैं इर्द गिर्द से, वो अपनी मर्जी जो है जब वो बच्चे पर ठोंसते हैं बगैर ये देखे हुए कि उसका एप्टीट्यूड किस तरफ है या वो इस काबिल है या नहीं कि वो FSC करके आगे किसी प्रोफेशनल इदारे में जा सकता है या नहीं, वो सिर्फ अपनी मर्जी ठोंसते हैं, ये बहुत गलत रवैया है। अच्छा दूसरी तरफ भी एक एक्सट्रीम है, वो ये है कि या वो बिल्कुल लाताल्लुक हो जाते हैं बच्चे के कैरियर से, और बच्चा अपने तौर पे जो उसके दो चार जो बहुत करीबी दोस्त हैं उनकी राय से मुतासिर होकर अपने कैरियर का इंतखाब कर लेता है। सलीम डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। हाँ मेरा फलां दोस्त जो है फलां कॉलेज में दाखला ले रहा है और फलां दोस्त जो है वो फलां लाइन इख्तियार कर रहा है तो मैंने भी यही लाइन लेनी है, और ये बिल्कुल गलत रुझान है। यही वो मरहला होता है जब माँ बाप और बच्चों के दरमियान आइडियल किस्म की कम्युनिकेशन दरकार होती है। इसमें सिर्फ एक कंसिडरेशन होनी चाहिए और वो है कि उसका जो मुस्तकबिल है वो कैसे बेहतर हो सकता है, और उसके लिए यही देखा जाना चाहिए कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है और उसकी ज़हनी इस्तेताद कितनी है। सही। हाँ जी हाँ जी, वरना बच्चे के ऊपर आप योर डाल के उसे को गलत लाइन अडॉप्ट करवा दें तो बच्चा ही अलबल हो जाता है। अल्लाह जानता है हंसना। ओके अब नहीं हंसूंगी। मैंने खुद देखा यार बच्चे ऐसे ऐसे बेचारे पढ़ पढ़ के बुरा हाल हो जाता है, अध पका मुंह होता है ऊपर 1.5 किलो की ऐनक लगी होती है। हाँ हाँ सेहत खराब हो जाती है बच्चों की बेचारों की। रक्शे वाला पास से गुजरते हुए कहता है बेटे रक्शा गुजरने लगा ये रखंबे को जब भी लगा लो कहीं हवा से उठ के कंध पे न जा बजना। बच्चे बेचारे 1.5 टन मन के बैग उठा के कभी एक अकेडमी से निकलते हैं दूजी में घुस जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं तो तीसरी में घुस जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूं कभी हाँ फिजिक्स का पीरियड या उधर जा रहा हूं, नाश बच जाता है बेचारे का बच्चे का बिल्कुल वो हिसाब हो जाता है खोते पे किताबें लाद देना। वो क्या यार अंग्रेजी में कहते हैं डोंकी इज बेस्ट देन बुक्स, ये कोई मुहावरा नहीं मैंने नहीं सुना। तो यार हंसा तो ना करो, बता दिया करो, अकल की करो, ऑडियंस भी बैठी होती है। तो ये जो है ना बच्चों को गलत लाइन अडॉप्ट करवा देना ये गलत होता है। बच्चे का ये है नहीं डॉक्टर बनने वाला, उसको FSC में ये बर्दस्ती भेजा हुआ है, आखिर उससे बेचारे से FSC एक अद्धे नंबर से नहीं होती रह जाता है वो। उसको फिर कहते कोई बात नहीं बेटे तुम्हें कपड़े की दुकान खोल दे। बच्चा बेचारा कपड़े की दुकान में बैठा, अद्धा डॉक्टर अद्धा दुकानदार हुआ होता है, पेंट मेरी ले जो पेंट मेरी, ये बड़ा अच्छा लट है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है, ये देख ले पेंट मेरी चिकन देख ले चिकन, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर कहते हैं चिकन खाया करो हार्ट की, देख ले चिकन खाया करो, ये चिकन का कपड़ा है, ये ले जाए हरे रंग का सूट लेके जाए नजर तेज होगी इससे, नजर तेज होगी ले जाए, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद पहनेंगे आपको बड़ा आराम आएगा। बंदा पूछे ये कौन सा एंटीबायोटिक सूट बन गया हुआ है, नहीं पहले मेरी ले जाए ग्रीन रंग का लेके जाए मैं आपको बता दूं, पीले रंग का लेंगे तो खांसी शुरू हो जाएगी ये मैं आपको पहले बता दूं, ग्रीन रंग का सूट ले जाए साथ सुर्ख दुपट्टा होगा ना जी तो साइड इफेक्ट से बचेंगे आप, इसका कॉम्बिनेशन है साथ लाल दुपट्टा बहुत अच्छा रहता है, जो इंजीनियर बनने से रह जाता है उसको अखीर होटल खोल देते हैं, वो उधर ग्राहकों को फीते के साथ नाप नाप के रोटी दे रहा होता है। वेरी गुड चेंज, ठीक है ओके, और तंदूर वाले को बुलाओ भाई ये रोटी का डायमीटर ठीक नहीं है, और ये बुर्ज को भी लाओ इसने 90 डिग्री पे क्यों नहीं काटे आलू, और दूसरा बेरा किधर है ओ बेटा ओ मुझे कद्दू का रिमोट कंट्रोल तो दे जाओ, और इसमें 3 मेगावाट नमक ज्यादा है हांडी में आज मैं तुम्हें बता दू 3 मेगावाट ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इधर, और इधर मेरा बेटा H2O का जग भर के रखो गा के आगे, और समझ नहीं आई पानी का जग भर के रखो बेवकूफ, और साथ NaCl भी रखो, नमक कम है हांडी में बैठे भाई जी बैठे टॉमिक कद्दू पके हुए हैं बैठे लाल। उसकी गुफ्तगू से ऐसे लगता है कि उसने होटल का इफ्तिताह डॉक्टर कदीर खान साहब से कराया,
नहीं बच्चे बेचारे जो जबरदस्ती डॉक्टर बन जाते हैं, बिचो उनको एक्टर बनने का शौक होता है, वो अपने क्लिनिक पे एक्टिंग का शौक पूरा कर रहे होते हैं, नर्स से लगे होते हैं। सलमा सलमा अगर ये मरीज ना बचा तो मैं भी नहीं बचूंगा। सलमा अपना ब्लड प्रेशर चेक करके बताओ कि मरीज का ब्लड प्रेशर कितना। चली जाओ सलमा, चली जाओ, चली जाओ, तुमने पेशेंट को गलत इंजेक्शन लगा दिया है, चली जाओ। अब बाहर जुलूस निकलेंगे, आवाम सड़कों पर आ जाएगी। सलमा मुझे अपना क्लिनिक बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। क्या कहूंगा मैं जाके अदालत में, जज साहब ये मेरा कसूर नहीं सलमा का कसूर है, जज साहब मुझे बेगुनाह हथकड़ी लगाई गई है, जज साहब मेरी हथकड़ियां खुलवा दीजिए, खुलवा दीजिए, खुलवा दीजिए। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तोहफा मेरी फिल्म जी, जज साहब तो 2 साल कैद हो गई है।